पौष्टिक पकवान को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। हेलो फ्रेंड्स, पौष्टिक पकवान किचन में आपका स्वागत है। यहाँ पर आप लौकी देख रहे हैं फ्रेंड्स, छोटी छोटी ताज़ी। ये हमारे घर के पीछे जो खेत हैं वहीं से मैंने परचेज़ की हैं। जैसा कि मैंने पिछली वीडियोज़ में आपको दिखाया कि हमारे घर के पीछे खेत हैं, तो वहाँ से जो भी फ्रेश सब्जियाँ लगती हैं तो वो हम लेके बनाते हैं। तो आज मैंने यहाँ से लौकियाँ ली हैं और ये छोटी छोटी बहुत सुंदर लौकी हैं, काफ़ी हेल्दी हैं, ऑर्गेनिक हैं। तो आज मैं आपको इसकी एक नई रेसिपी शेयर करूंगी लौकी की सब्ज़ी की। पहले भी मैं अपने चैनल पर काफ़ी रेसिपियाँ शेयर कर चुकी हूँ, जैसे कि दही की लौकी, लौकी के कोफ्ते, उसकी लिंक भी मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी, आप लोग देख पाएंगे। तो आज मैं जो आप लोग के साथ इसकी सब्ज़ी शेयर करूँगी वो काफ़ी सिंपल है, लेकिन फ्रेंड्स बहुत टेस्टी है। आप उसको एक बार बनाएंगे तो हर बार आप उसी तरह की लौकी बना के खाएंगे। जो लोग लौकी खाना पसंद नहीं करते हैं तो वो लोग भी जो मैं रेसिपी बताऊंगी सिंपल, उससे वो सब्ज़ी उनको बहुत अच्छी लगेगी। तो सबसे पहले मैं इन लौकियों को छील कर कट कर लेती हूँ और फिर बाकी की आगे की रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। थोड़ा सा मैं आपको खेत भी शो कर देती हूँ। यहाँ पर आप देख रहे हैं जैसे कि मैंने लौकी ली है, यहाँ पर तो बाजरा लग रही है और बाजरे के पीछे की साइड जो बेल है वहाँ पर लौकी लगी हुई है, तो वो मैं आपको नहीं दिखा पाऊँगी। और इस साइड में पालक लगा हुआ है, ये देखिए। और अगर आपको मेरे खेतों वाली और वीडियोस देखनी हो तो मैं लिंक शेयर कर दूँगी, तो आप लोग देख सकते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने लौकी को छील कर और इस तरह से कट कर लिया है और लौकी को मैंने पानी में डाल के रखा है ताकि ये काली नहीं पड़े। तो चलिए हम ये सिंपल सी टेस्टी सी सब्जी तैयार करते हैं। तो पैन में मैंने ऑयल चढ़ा दिया है और ऑयल गर्म हो चुका है, तो चलिए इसमें मसाले डालते हैं। इस सब्ज़ी में दो जो मसाले होते हैं उनका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। पहला है मेथी दाना और बाद में मैं डालूंगी लहसुन अदरक का पेस्ट, तो उससे सब्ज़ी का जो फ्लेवर है वो ओरिजिनल जो फ्लेवर है उभर के आता है। लेकिन अगर कोई अगर आप लोगों को मेथी का टेस्ट पसंद नहीं है तो आप लोग इसको हटा सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़े से मैं मेथी दाने डाल रही हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है हमको। तो मेथी दाने पक चुके हैं, एक टेबल स्पून यहाँ पर मैंने टी स्पून यहाँ पर मैंने जीरा ऐड किया है। तो जीरा भी चटक चुका है। इसके बाद हम यहाँ पर डालेंगे हरी मिर्च। अभी मैंने आपको खेत दिखाए हमारे जो घर के पीछे हैं, तो लौकी इसलिए मैं आप लोगों को शो नहीं कर पाई क्योंकि जो बाजरा लगा हुआ था उसके पीछे की साइड उसकी बेल लगी थी और लौकी मैं सुबह लेकर आ चुकी थी, इसलिए मैं आप लोगों को शो नहीं कर पाई। तो मिर्च भी यहाँ पर भून चुकी है, यहाँ पर मैंने चार हरी मिर्च ली थी। अब मैं इसमें डालूँगी एक, मैंने यहाँ पर प्याज कट करके रखा, एक प्याज लिया था वो मैं इसमें डाल देती हूँ। और लौकी जो मैंने एक किलो ली थी, तो एक किलो लौकी मैंने पूरी कट कर ली है। तो प्याज भी हम अच्छे से ब्राउन होने तक भून लेते हैं। तो यहाँ पर प्याज मैं अच्छे से ब्राउन होने तक भून लेती हूँ। कई बार जो लाइट मसालों में हम सब्ज़ी बनाते हैं उनका टेस्ट बहुत अच्छा आता है और ये सब्ज़ी भी उसी कैटेगरी में आती है। आप इस तरह बनाकर देखिए, आपको सब्ज़ी बहुत अच्छी लगेगी। और जो लोग लौकी नहीं खाते हैं वो भी फिर इसको आराम से बना के खाएंगे और पसंद करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे प्याज हल्के ब्राउन हो चुके हैं, तो इस टाइम पर यहाँ पर मैं इसमें दो पिंच हींग ऐड कर रही हूँ। हींग का टेस्ट भी सब्ज़ी के अंदर बहुत अच्छा लगता है। आप चाहें तो लौकी डालने के बाद ऊपर से भी हींग डाल सकते हैं, उसमें भी इसका जो टेस्ट है उभर के आता है। हींग डालने के बाद यहाँ पर जो इस सब्ज़ी का टेस्ट बहुत बढ़ा देता है वो है अदरक लहसुन का पेस्ट, ये आप ज़रूर डालिए। इसी मसाले को जब आप डालेंगे तो आपकी सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनेगी। और इसको हमको बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, हल्का सा सौटे ही करना है। अदरक लहसुन का पेस्ट यहाँ पर मैंने हल्के से सौटे किया है। अब हम इसमें डालेंगे हल्दी। तो यहाँ पर मैं हाफ टी स्पून हल्दी इसमें ऐड कर रही हूँ। बाकी के मसाले इसमें बाद में ऐड करेंगे। तो अब मैं इसमें लौकी ऐड कर देती हूँ। तो लौकी मैंने इसमें पूरी ऐड कर दी है।
इसको मैं अच्छे से चला लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने हल्दी भी इसमें अच्छे से मिक्स कर दी है लौकी के साथ। अब यहाँ पर मैं इसमें डालूंगी 1 टीस्पून पिसी लाल मिर्च। यहाँ पर जब हम कच्ची ऊपर से मिर्च डालते हैं और ये पकती है लौकी के साथ तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। आप लोग चाहें तो आप हल्दी के बाद भी पिसी लाल मिर्च डाल सकते हैं जैसा कि मैंने डाला, लेकिन मुझे इसका कच्चा टेस्ट जो ऊपर से आता है वो ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको ऊपर से ऐड किया है और साथ में पिसा धनिया। कई मसाले ऐसा होता है कि जब उनको ऊपर से डालते हैं तो उनका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है और तेल में हम डाल के पकाते हैं तो जल भी जाते हैं, उनका टेस्ट इतना अच्छा नहीं आ पाता है, इसलिए इस लौकी में यही टेस्ट अच्छा लगता है पिसी लाल मिर्च और पिसे धनिए का। तो इस प्रकार से मैंने इसको इसमें ऐड कर दिया है। अब हम इसमें डालेंगे नमक। तो यहाँ पर अब मैं नमक ऐड कर रही हूँ 1.5 टीस्पून। आप नमक अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग डालिए और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, अगर आप चाहते हैं तो आप जैसे मैंने पहले हल्दी ऐड करी उसके बाद आप पिसी लाल मिर्च मसाले में भून सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर ऊपर से ऐड किए। तो अब हम इन मसालों को अच्छे से मिक्स कर देते हैं। वैसे लौकी की सब्ज़ी मुझे भी ये वाली सबसे ज़्यादा पसंद है। वैसे दही की लौकी भी मैंने बना रखी है आप लोगों के साथ, चने की दाल की लौकी के कोफ्ते, लेकिन मुझे लाइट मसाले में पकी हुई सब्ज़ी बहुत पसंद है। तो मैं जब भी खाती हूँ लौकी तो मैं इसी तरह से बनाती हूँ। घर में सबका टेस्ट अलग अलग रहता है, किसी को लौकी के कोफ्ते अच्छे लगते हैं, किसी को दही की लौकी अच्छी लगती है, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा यही लौकी पसंद है। तो यहाँ पर मैंने सभी मसालों को अच्छे से मिक्स कर दिया। अब हम इसको ढक के पकाएंगे पकने तक। बीच में थोड़ा सा मैं इसमें इसको चलाऊंगी और अगर मुझे लगेगा तो थोड़ा सा इसमें पानी भी ऐड करूंगी। तो चलिए हमारी लौकी चेक कर लेते हैं। ये देखिए, लौकी में मैंने बिल्कुल भी पानी नहीं डाला था क्योंकि लौकी में अपना काफ़ी सारा पानी होता है लौकी के अंदर। आप चाहें तो इसको ग्रेवी वाली भी बना सकते हैं या फिर लौकी पूरी तैयार होने के बाद लास्ट में आप इसमें दही भी डाल सकते हैं तो दही की लौकी तैयार हो जाएगी। ये देखिए, चेक कर लेती हूँ। थोड़ी सी हम इसको और पकाएंगे तो हमारी लौकी पक के तैयार हो जाएगी। तो इसको मैं फिर से ढक देती हूँ। तो सब्ज़ी में चेक कर लेती हूँ। ये देखिए, लौकी इजीली कट हो रही है तो सब्ज़ी हमारी पक चुकी है। और मसाले आप अपने हिसाब से मिलाएं, जैसे नमक मिर्च आप अगर तेज पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा इसमें डाल सकते हैं। सब्ज़ी तैयार हो चुकी है। लास्ट में मैं इसमें हरा धनिया डाल रही हूँ। इसमें मैंने किसी भी गरम मसाले का यूज़ नहीं किया है, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो आप पिसा हुआ गरम मसाला इस टाइम पर ऐड कर सकते हैं, लेकिन वैसे ही ये सब्ज़ी ऐसे ही अच्छी लगती है तो आप इसको इसी तरह से बनाइए। तो हरा धनिया भी मैंने इसमें मिक्स कर दिया, गैस में ऑफ कर देती हूँ। तो ये सब्ज़ी हमारी रेडी है फ्रेंड्स। आप इसको सिंपल चपाती के साथ ले सकते हैं, पराठे के साथ ले सकते हैं, पूड़ी के साथ भी ले सकते हैं और वैसे ये सब्ज़ी चावल के साथ भी अच्छी लगती है। अगर आपने जीरा राइस बना रखे हैं तो आप उसके साथ इसको लेकर देखिए, बहुत अच्छी लगेगी आपको। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी ये सिंपल सी लौकी की सब्ज़ी बनकर बिल्कुल रेडी है। अगर आपको ये रेसिपी मेरी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।